नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यात्री सुविधा में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के एक अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों कोरोना में कई सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, दोस्तों अब रेलवे दोबारा इन पैसेंजर ट्रेनों को चलाने जा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे की, तो लगभग 500 जो पैसेंजर ट्रेनें हैं जो कि बंद हैं, रेलवे उनको दोबारा चालू करने जा रहा है। इसी तरह लगभग 100 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रेलवे दोबारा चलाने जा रहा है। दोस्तों ये ट्रेनें जल्द ही चलेंगी और इसकी बुकिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। दोस्तों कोरोना के टाइम पर इन ट्रेनों को बंद किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना से पहले लगभग 2800 पैसेंजर ट्रेनें चलती थी, जबकि अभी लगभग 2300 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा अभी 1770 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी चल रही हैं और एक हफ्ते में 1900 से ज़्यादा मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलने लगेंगी। तो दोस्तों रेलवे जो ट्रेनें कोविड में बंद की गई थी उनको दोबारा से पटरी पे ला रहा है या बोले कि दोबारा चलाने जा रहा है। तो दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है पैसेंजर्स के लिए जो कि पैसेंजर ट्रेनों में सफ़र करते हैं और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सफ़र करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट इंडियन रेलवे से रिलेटेड। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।